TVN देखण वाले समुचे दर्शकों दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सभना दा निघा स्वागत। बठिंडा जिले के पिंड दुल्लेवाला के नौजवानों ने बनाई एंटी ड्रग फोर्स। राजपुरा के नेड़े एक पिंड विच वापरी बेअदबी की घटना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रधान जाखड़ अते सुखबीर बादल नूं दिता करारा जवाब। फर्जी दस्तावेज़ां राही पंजाब पुलिस अते होर महकमें विच नौकरियां हासिल करन वालियां दा खुलासा। सूरी दे कतल केस विच बंद संदीप सिंह सनी वल्लों भुख हड़ताल अते कुछ होर जानकारियां अपने प्रोग्राम दौरान शामिल रहणगियां। इहदे तों पहलां इहनां दे उत्ते विस्तारत गलबात करां। तुहानूं सभनां नूं बेनती है कि पहलां प्रोग्राम देख लैणा, सुण लैणा, जेकर चंगा लग्गिया फिर लाइक अते शेयर जरूर कर देना। दूसरी बेनती ये कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैणी, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। ते हुण गल करदे आं कि उम्मीद हाले बाकी है, ढेरी ढाया कुछ भी नहीं बनना। तो इस दी गवाही भर रही आ अपनी आ पहली खबर। जानकारी मिली है कि बठिंडा जिले च पैंदा पिंड दुल्लेवाला, दुल्लेवाला दे लोग नशियां नूं ठल पाउण वास्ते पब्बां भार हो गए ते बीड़ा चुक लिया। पिंड दे नौजवानां ने पिंड दे लोकां ने एक एंटी ड्रग फोर्स बना ली है। जिहड़े लोग नशे वेचदे आ उहनां ते शिकंजा कसणा उहनां ने शुरू कर दित्ता है। नशियां दा दरअसल वरतारा इन्ना वध रिहा है जिस दे कारण पिंड दे नौजवानां ने पिंड दे लोकां नाल सलाह की। सलाह करन तो बाद नशा रोकण वास्ते एक 30 मैंबरी कमेटी का गठन कर दिता अते नाल पिंड दे लोकां ने यह अहद भी लिया कि पिंड नूं नशा मुक्त करना है। असल दे विच आउणा तां सारे नूं इत्थे ही पैणा, आपो अपने घरां दी राखी करनी पैणी है। पिंड दे लोकां ने दस्सिया कि कुछ लोग शरेआम चिट्टा जां होर नशा वेची जांदे है। पिंड दे वासी दस रहे ने कि कई बार पुलिस कोल भी नशा कि वेचिया जा रहा विक रहा उहदी शिकायत की, पर इहदे बावजूद भी नशा तस्कर अजिहा करन तों बाज नहीं आए। नतीजा की होया? नतीजे वजों पिंड दे 25 तों 30 नौजवान नशा करन लग पए ने। हुण जे 25 30 हो गए तां होर वध सकदे ने। फिर नौजवान जिन्हां विच बहादुर सिंह, जिन्हां विच गुरबाज सिंह, जिन्हां विच जगतार सिंह अते जिन्हां विच हरबंस सिंह भी है, ये कहिंदे असीं पिंड दे नौजवानों ने सोचा कि इहदे उत्ते कोई ना कोई कार्रवाई तां करिए। तो इन्होंने लगभग 6 व्यक्ति जिहड़े पिंड विच चिट्टे की विक्री कर रहे सी अते जां जिहड़े लगभग 2 दर्जन के करीब नौजवान नशे की दलदल दे विच फस चुके ने, कि इन्हां दे खिलाफ़ कार्रवाई किवें कीती जावे। फिर एंटी ड्रग फोर्स नशा वेचण वालियां नूं रोकण दे वास्ते अते उन्हां नूं घर घर जाके समझाउण वास्ते इन्हां ने एक अहद लै लिया। इन्होंने दस्सिया कि नशा वेचण वाले 4 परिवारां दे नाल जदों असीं गलबात की उन्होंने तो तौबा कर ली है। पिंड वासियों के सामने उन्होंने वादा किया कि अगे तो वह नशा नहीं वेचणगे। 2 घर इस तरह के ने, जो पता लगा कि पिंड के लोग इकट्ठे हो गए वो आपो अपने घरों जिंदरा ला के उतों फरार हो गए। तो उन्होंने ये भी दस्या कि जेकर कोई नौजवान नशा छड़ना चाहता है, नशे की दलदल के धस चुके है, तो यह टास्क फोर्स उसकी पूरी मदद करेगी। तो एंटी ड्रग फोर्स के मैंबर ने नशा करने वालों 2 टुक आख दिता है, नशा वेचण वालों बिल्कुल 2 हरफी गल आख दी है कि जेल जां सेंटर इन्हां चों इक चुनना पऊगा। उन्होंने दस्या कि हुण तक वह 2 नौजवानां नशा छड़वाउण लई उन्होंने नशा छड़ाऊ सेंटर के भेज चुके ने, जदों कि 3 नौजवानों ने चिट्टे नूं सदा लई अलविदा आख दिता है। नतीजे देखो किन्ने सार्थक निकल रहे हैं। अते हुण वह एंटी ड्रग फोर्स के मैंबर भी बन गए ने। एंटी ड्रग फोर्स के मैंबरां ने नशा रोकण लई एक वट्सएप ग्रुप भी बना लिया, जिस दे विच पिंड दे कुछ होर मोहतवार कुछ सुहिरद लोग भी शामिल किए गए है। इन्होंने दस्सिया है कि पिंड दे किसी भी व्यक्ति नूं जदों कोई शक्की बंदा नज़र पैंदा है तां वह तुरंत ग्रुप दे विच उहदी जानकारी भेज दिंदा है, ते जिहड़ी इह फेर फोर्स बनी है उहदे मैंबर तुरंत हरकत विच आ जांदे ने। बीते वीरवार की रात उन्होंने जानकारी दित्ती कि लगभग 1:30 बजे
उन्हां भाई रूपा दे दो नौजवानों नूं पिंड दुल्ले वाला दे विच्चों फड़िया जिन्हां कोल चिट्टा सी सरिंज सी ते दोवें नौजवान पुलिस ते हवाले कर दिते गए। इन्हां ने दस्सिया कि पिंड दुल्ले वाला नूं तीन लिंक सड़कां पैंदियां ने जिन्हां दे उत्ते ड्रग फोर्स के नौजवान पूरी निगरानी इस वक्त रख रहे हैं ते नाल गल कहिंदे इत्थे नहीं बणनी। उन्होंने भविख की योजना बारे भी दस्सिया कि आने वाले दिनों के पिंड वासियों के वलों ठीकरी पहरा शुरू करने की योजना भी उलीकी जा रही है ता जो कोई भी इस तरह का व्यक्ति किसी बाहरले पिंडों भी आके साडे पिंड आके नशा ना वेच सके। दसना बनता कि इहदे तों पहलां पिंड कालचराणी चक अतर सिंह वाला बहमण कौर सिंह अते हर रायपुर के लोगों ने भी इस तरह नशियां दे खिलाफ मुहिम विढ़ी सी। काफ़ी हद तक यह मुहिम सफल भी रही है। मानसा के दो नौजवान परविंदर सिंह झोटा ने एंटी ड्रग फोर्स बना के सब तो पहला दरअसल इस तरह नशियां दे विरुद्ध एक मुहिम विढ़ दित्ती सी ते उन्हें नशा तस्करां दी भुगत भी सवारी सी कईआं नूं पुलिस हवाले भी करवा दिता सी ते हुण ये जिहड़े नौजवान ने एक दूसरे नूं वेख वेख भाव अगे ये मुहिम नूं वधा रहे ने ते इस मुहिम का असर बठिंडा जिले के पिंड दुल्ले वाला दे विच वेखण नूं मिलिया जिहड़ी कि एक चंगी ते सार्थक खबर है। ते हुण गल करदे हां जिथे चंगीआं खबरां ते मंदीआं भी उसे पंजाब च वापर रहीआं ने। राजपुरा शहर पैंदा पंजाब ते उहदे नेड़े पैंदा नरडू उत्थों खबर सामने आई है कि बेअदबी हो गई है। गुरद्वारा साहब दे विच एक नौजवान गुरु साहब की सदी सजाई पालकी के उपर जा बैठता है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी उस वक्त पालकी विच सुशोभित दसे जाते हैं। जिवें ही नौजवान पालकी साहब ते बैठता है तो गुरद्वारा साहब दे विच मौजूद सेवादार तुरंत उसनों फड़ के उत्थों उठा देंदे ने ते हेठां खिच लिआउंदे ने। गुरद्वारा साहब दे हैड ग्रंथी जोगा सिंह ने दस्सिया कि यह नौजवान इस ही पिंड का रहने वाला जिस पिंड दे विच बेअदबी हुई है अते उहदा नाम जोरावर सिंह है। फड़े जाण तों बाद दस्सिया जा रहा कि उहनूं पुलिस हवाले कर दिता गया। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। यह भी दस्सिया जा रहा कि जोरावर पहली बार नहीं सगों रोजाना भाव नेम नाल ही गुरद्वारे आउंदा सी। शुक्रवार सवेर के लगभग 8:15 हुए सी पहला आके कहिंदे उहनूं गुरद्वारा साहिब विच मत्था टेकिया फिर परिक्रमा करके पालकी साहब के उपर जा बैठिया। दूसरे पासे जदों जोरावर सिंह के पिता जी नाल गलबात की गई वह कहिंदे कि साडा लड़का मानसिक तौर पर परेशान रहिंदा है उहदा इलाज राजेंद्रा हस्पताल पटियाला तो इस वक्त भी चल रहा है। तो जदों कनौर के DSP दे नाल गलबात की गई तो DSP रघुवीर सिंह ने दस्सिया कि इस मुलजम के खिलाफ जोरावर के खिलाफ IPC की धारा 295A तहत थाना खेड़ी गंढियां दे विच मुकदमा दर्ज कर दिता गया। CCTV वीडियो कब्जे विच लै ली गई है। होर सबूत इकट्ठे किए जा रहे ने तां जो दोषी नूं सख्त तो सख्त सज़ा दिती जा सके। ते हुण गल करदे आं पंजाब दे हालात पंजाब दे बहुत सारे पिंड दे शहर कस्बे हड़ां दी मार हेठ ने ते केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब लई 218 करोड़ ते 40 लख रुपए का राहत पैकेज भी दे दिता गया। पर इस वक्त भी मंदभागी गल यह है कि भावें सत्ताधारी ने भावें विरोधी ने सियासत होनी तो नहीं सी चाहिए पर सियासत हर काम ते भारू हो जाती है। भाजपा के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार तो खर्चे गए पैसों का हिसाब मंग लिया। इस गल के उत्ते पंजाब के मुख्यमंत्री नाराजगी प्रगटाई। वो कहिंदे जाखड़ साहब हिसाब तुहानूं दे देंगे क्योंकि केंद्र सरकार दे वल्लों वो कहिंदे 10 जुलाई नूं तां हाले फंड जारी किया गया है 12 जुलाई तो तुसीं हिसाब मंगना शुरू कर दिता है। इहदे नाल ही उन्होंने पिछले दिनी अपने ट्वीट दे विच वी विरोधियों दीआं गल्लां दा जवाब देन ते उत्ते पासा वटदिआं इह आख दिता सी। वो कहिंदे सी इस वक्त मैनूं पंजाब दे लोकां नाल खड़ लैण दिओ पंजाब दे लोकां दी मैं मदद करदा उधर रुझिआ होइआ ते बाद दे विच मैं तुहाडा वी जवाब दे दिआंगा। पर कल भी जदों फिरोजपुर वाले पासे सुनील जाखड़ साहब पहुँचे उत्थे उन्होंने फिर यही गल आख दी कि पंजाब सरकार ने हले तक मदद ही नहीं की। वो कहिंदे सानू ये तो दस्या जाए कि 218 करोड़ की गंजी नहाले तो की निचोड़े किमें किमें पैसे वंड दईए। तो दूजे पासे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब उन्होंने भी पंजाब के मुख्यमंत्री ते निशाना बिन्हदिआं यह आख्या सी कि गैर तजर्बेकार सरकार के कारण पंजाब दे विच हड़ आ गए
इस करके हालात बद तो बदतर बन गए। मुख्यमंत्री पंजाब ने सुखबीर बादल भी करारा जवाब दिता है। वो कहते अज तक जो पंजाब की स्थिति है वह भावें किसी भी पहलू तो ले लो, ये असल दे विच तजर्बेकार लोगों की ही देन है। मुख्यमंत्री के इस बयान तो बाद सुखबीर बादल की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। यह मनिया जा सकता है कि पंजाब दे विच गैर तजर्बेकार लोग ने नवे लोग सरकार चला रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, बिहार, यूपी, उत्तराखंड की सारे सूबे दे विच ही कि समुचे भारत दे विच ही गैर तजर्बेकार ने, मैनू लगता कि सियासतदानां नूं हालात वेख लैने चाहीदे ने। लोगों के जख्मों से लूण की बजाय मल मिलाउण की कोशिश करनी चाहीदी है। तो हुण गल करदे आ विदेशों विच जाण दा रुझान ना ठल्लिया तो ना शायद कदे ठल्लिया जाए। हुण खबर मिल रही है कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी थाने दे विचों, उत्थे तैनात है एक ASI भाव छोटा थानेदार। ASI दे पुत्तर नूं अमरीका भेजण दे नाते 24 लाख रुपए की ठगी मारन वाले एक फर्जी ट्रैवल एजेंट जिहड़ा जोड़ा है, पति पत्नी है, उन्हां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की खबर है। मुलजम ने ASI दे पुत्तर नूं अमरीका भेजण की बजाय डोंकी लगवाई मैक्सीको की जेल पहुँचाता। भावें इस वक्त इस मामले कोई गिरफ्तारी नहीं हुई पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जानकारी के अनुसार ASI लखवीर सिंह जिसका पिंड गोसला है, उन्होंने SSP नूं दस्सिया है कि उन्होंने लड़के का नाम है जसकीरत सिंह। जसकीरत सिंह गुरद्वारा श्री बेर साहब सुल्तानपुर लोधी दे विच सेवा करन वास्ते जांदा सी। उत्थे उहदी मुलाकात इस ट्रैवल एजेंट सत्ता सिंह ते उहदी धर्मपत्नी मनदीप कौर नाल हुंदी है, जिहड़े कि हरनामपुरा थाणा सुल्तानपुर लोधी दे रहिण वाले है। ASI दे दसण अनुसार यह भी अक्सर गुरद्वारा साहब दे विच सेवा करदे नज़र आउंदे सी, भाव उत्थे यह भी सेवा करदे सी। सत्ता सिंह ने उन्हां दे लड़के नूं कहा कि उन्हूं वर्क परमिट ते अमरीका भेज सकदा है, पता लग जांदा कि बंदे दी भावना की है। जसकीरत फिर अपने चचेरे भरावां जिन्हां विच मनवीत सिंह, गुरमीत सिंह अते पिंड गोसल दे सरपंच सतनाम सिंह दे नाल ट्रैवल एजेंट सत्ता सिंह फतेह इंटरप्राइजेज दे दफ्तर च पहुँचदा है। इन्हां दे दस्सण अनुसार उत्थे सत्ता ते उहदी घरवाली मनदीप कौर ने ते इन्हां नूं मिलते हैं। तो वह कहिंदे आ कि पहला सिर्फ 2 लाख रुपए देने ने, बाकी दे जिहड़े पैसे होणगे वह जद तू अमरीका पहुँच जाएगा फिर देने पैणगे। ते नाल इस गल का भी उत्थे करार हुंदा है कि तेरी जिहड़ी फ्लाइट होएगी वह विंगी टेढ़ी नहीं टुटवीं नहीं होई, वह दिल्ली तो अमरीका की सीधी फ्लाइट होएगी। दोवां ने मार्च 2019 दे विच कहिंदे जसकीर का पासपोर्ट लै लिया। उहदे तों बाद कुछ महीने लंघदे आ ते 7 मई 2019 नूं ट्रैवल एजेंट जसकीर की अमरीका की बजाए यूरोप की फ्लाइट लै लैंदा। यूरोप तो फिर 11 मई 2019 नूं यह ट्रैवल एजेंट जसकीरत नूं मैक्सीको के जंगलों में छड़दा है ते उत्थे मैक्सीकन माफिया के हवाले कर दिंदा है। तो मैक्सीकन माफिया जसकीरत नूं एक कमरे में बंद कर लैंदा है, उन्हूं डराउंदा, उन्हूं धमकाउंदा, कहिंदा कि चल परिवार नूं आख कि मैं टिकाने ते भाव मैं अमरीका पहुँच गया। 24 लाख च गल होई सी, 2 लाख पहला दिता, जिहड़ा 22 लाख रुपया रहिंदा ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੱਤੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ASI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਲੱਖ ਲੈ ਲਏ, 2 ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 22 ਬਾਅਦ ਚ, ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡੌਂਕੀ ਲਗਵਾਈ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਡੌਂਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਕੰਧ ਟਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਵੇਂ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ। ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ 3 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਅਤੇ 3 ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਵਾਰਡਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਡ ਦੀ ਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 28 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਿਮਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੀਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰੌਡ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾਲ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ SHO ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਡਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੀ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ NGT ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NGT ਵੱਲੋਂ PPCB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 30 ਜੂਨ ਸੀ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ PPCB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PPCB ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤਕ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ PPCB ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ PPCB ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PPCB ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਹੋਈਏ ਵੱਧ ਹੋਈਏ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
कि किसी नूं भी किसी भी तरह का नियम तोड़ दी कोई आग्या नहीं दित्ती जा सकती। लुधियाना पुलिस कमिश्नर दफ्तर तो एक 12वीं विद्यार्थी का साल 2007 का सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन लिए पहुँचता है। जदों पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के वो दस्तावेज जिहड़े उन्हां कोल पहुँचदे ने उन्हां दी जांच की गई तो पता लग्या कि किसी भी विद्यार्थी नूं इस साल दे विच आ रोल नंबर तो जारी नहीं किया गया जिहड़ा उहदे सर्टिफिकेट ते लिखा होया। सर्टिफिकेट ते रोल नंबर लिखा हुंदा, उह कहिंदे इहदा असीं जारी नहीं किया इस साल दे विच। ते हुशियारपुर जिले के विद्यार्थी नूं जारी होया सी जिहड़ा उहदे ते रोल नंबर लिखा गया। इहदे तों साफ होया कि यह सर्टिफिकेट फर्जी है। इस तरह रीजनल पासपोर्ट दफ्तर जलंधर तो मार्च 2014 के बनिया 10वीं जमात का एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने कोल जांच वास्ते पहुँचता है। जदों जांच की गई तो उत्थे भी यह खुलासा होया कि यह रोल नंबर भी किसी नूं कदे जारी ना होया। दसना बनता कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के हर महीने तकरीबन 2000 तो वध सर्टिफिकेट जांच वास्ते पहुँचते हैं ते नाल ही हर वार इस तरह के सर्टिफिकेट फड़े भी जाते हैं। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि वह फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वालों के उत्ते सख्त कार्रवाई करनगे ताकि भविष्य के इस तरह दीआं होर घटनावां ना वापरन। जिहड़े योग उम्मीदवार ने नौकरियों तो रह जाते हैं तो फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे लोग नौकरियां प्राप्त कर जाते हैं। तो हुण गल करदे आं सुधीर सूरी के कतल केस विच बंद ने संदीप सिंह उर्फ सनी। सनी दे वल्लों अपनी जान नूं खतरा दस्सिया गया। सेंट्रल जेल अमृतसर प्रशासन के खिलाफ उन्होंने अपनी मंगां नूं लैके जेल के अंदर भुख हड़ताल शुरू कर दिती है। संदीप सनी नूं हाई सिक्योरिटी जोन दे विच खतरनाक अपराधियों ते गैंगस्टरां दे नाल ही रखिया होया जिथे वह अपनी जान नूं कहिंदे खतरा महसूस कर रहे हैं। सनी ने जेल प्रशासन के कोल एक खदशा जाहिर किया कि उहदे खाने दे विच भी किसी वल्लों जहर मिलाया जा सकता है, इस करके उहदा खाना भी बाकियों दे नाल ना बने, उहदा खाना वक्खरा बनाया जाए ते वक्खरा प्रबंध किया जाए। सनी दे वड्डे भरा हरदीप सिंह दे वल्लों जेल सुपरडेंट अमृतसर अते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों आई जी जेलां पंजाब नूं भी इस संबंधी पत्र लिखवाए गए है, पर प्रशासन दे वल्लों खबर मिल रही है कि इस तरह कोई हाले तक हल नहीं किया गया। जेल विभाग के इंचार्ज ने मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद इस करके उन्होंने उन्होंने भी बेनती की है कि उन्होंने मंगां नूं तुरंत प्रवान किया जाए। दूसरे पासे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने संदीप सिंह नूं जेल के अंदर तंग परेशान करने की सख्त आलोचना की है। एडवोकेट धामी साहब का कहना है कि उन्होंने जानकारी मिली है कि संदीप सिंह नूं गुरद्वारा साहब के विच भी जाण दी आग्या नहीं दित्ती जा रही, बनता समा जिहड़ा बंदी चों बाहर उन्हूं कढ़िया जांदा हुंदा वह भी समा नहीं दिता जांदा। इहदे नाल ही एडवोकेट धामी साहब ने यह भी दस्सिया कि संदीप सिंह नूं मैडिकल सेवावां भी नहीं दित्तियां जा रहियां। श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने कहा कि बेहद मंदभागी गल है कि एक व्यक्ति नूं जेल के अंदर मिलण वालियां जेल मैनुअल के हिसाब नाल सहूलतां लैण दे वास्ते भुख हड़ताल करनी पै रही है। एडवोकेट एच एस धामी ने कहा कि 22 जून 2023 नूं श्रोमणी कमेटी के वल्लों इस मामले ते आई जी जेलां नूं एक पत्र भी लिख दिता गया सी, पर उहदे ते हाले तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि संदीप सिंह दीआं मंगां वल तुरंत ध्यान दिता जाए अते जेल प्रशासन उहदे अधिकारां नूं ना दबे। हुण जिहड़े दोष लगे ने कि उन्हां नूं बंद खलासी नहीं थोड़ी समय वास्ते की जाती जां उन्हां नूं मैडिकल सहूलतां नहीं दित्तियां जांदियां, गुरद्वारा साहब नहीं जाण दित्ता जांदा, इन्हां विच किन्नी सच्चाई है ये जांच विच सामने आएगा, पर खबरां सुरखियां दे विच आ गईआं ने। ते हुण गल करदे आं पंजाब दे सरकारी दफ्तरां दे समें दी। पंजाब दे सारे सरकारी दफ्तरां दा समां एक बार फिर तब्दील हो रहा है। सरकारी हुक्मां दे मुताबक 17 जुलाई 2023 भाव आने वाले सोमवार तो सारे सरकारी दफ्तरां दा समां सवेर के 9 बजे तो लैके शाम के 5 बजे तक हो जाएगा। इस संबंधी सरकार दे वल्लों नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दिता गया है। तुहानू शायद याद होवे कि गर्मियां दे मौसम नूं ध्यान दे विच रखदिआं पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरां दा समां 15 जुलाई तक सवेरे 7:30 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक कर दिता सी। तो यह फैसला पंजाब दे मुख्यमंत्री ने गर्मियां दी बिजली क्योंकि किल्लत अक्सर आ जाती है उहदे तों बचण वास्ते लिया सी।
ते नाल ही उन्होंने कहा कि यह फैसला विदेशों की तर्ज पर लिया गया अते पूरे देश दे विच पंजाब अंदर अपनी तरह की पहली कोशिश सी। तो हुण सोमवार तो फिर सरकारी दफ्तर का समा सवेर के 9 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक का हो जाएगा। सो दोस्तों ये कुल मिला के अपना अज का प्रोग्राम, उम्मीद कर रहे हैं तुहानू चंगा लग्या होएगा। जेकर प्रोग्राम चंगा लग्या है तो कृपा करके लाइक अते शेयर जरूर कर देना। जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। समा समाप्त है, जाण तो पहला कहांगा जिंदगी जिंदा दिली दा नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नू आग्या दिओ। सत श्री अकाल ते रब रखा।